वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह की एक और शानदार पहल के साथ जनता से अपील, मानवता दिखाए, पक्षियों का जीवन बचाए। समाज सेवी संस्था रामकृष्ण शिला देवी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा पशु पक्षियों का जीवन बचाने के लिए दाना पानी के लिए बनाए गए बॉक्स वितरण प्रोग्राम का 2 अक्टूबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह द्वारा काला आम चौराहा पर फीत काट कर प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा उक्त समाज सेवी संस्था द्वारा बनाए गए बॉक्स आम जनता को वितरण किए गए, ताकि बॉक्स को अपने घरों में व पेड़ों पर लगाकर उनमें चिड़िया व पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करे, जिससे पक्षियों के चिड़ियों का जीवन बचाया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा समाज सेवी संस्था द्वारा किए गए इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए उनके द्वारा बड़ा ही अद्भुत प्रयास किया गया, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लोग अपने अपने परिवार के लिए तो करते हैं, पशु पक्षियों को भी अपनी खेती नहीं है, जीवन यापन करने की कोई साधन नहीं है, इसलिए विशेष रूप से उनके लिए यह अद्भुत प्रयास है। वर्तमान में हम प्रकृति के करीब आ गए, इस समय काफी चिड़िया भी आ गई है तथा उनको ध्यान रखते हुए यह प्रयास किया गया। इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है, ताकि हम प्रकृति के अधिक से अधिक करीब आए। जो हमारा जीवन प्रकृति से जितना करीब होगा, निश्चित रूप से उतना बेहतर होगा। इसमें वरिष्ठ पत्रकार संजय सार्थक, प्रदीप तोमर, जावेद खान का विशेष योगदान रहा, साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आम जनता से अपील की गई कि हर व्यक्ति मानवता दिखाए, इस बॉक्स को लेकर जाए, अपने घरों की छत पर और पेड़ों पर लगाए और पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करे, ताकि पशु पक्षियों को शुद्ध जल और अन्न मिल सके। आम आदमी इस अभियान से जुड़े रही मेरी कामना है, ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर इन्होंने कहा। ट्रस्ट की ओर से किया गया बड़ा ही अद्भुत प्रयास है, और हम लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आदमियों के लिए तो करते हैं। पशु पक्षी जिनकी अपनी कोई खेती नहीं है, जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है, विशेष रूप से उनके लिए अद्भुत प्रयास है। अब कोरोना के शुरुआती दौर में आपने देखा होगा, जब दुकानें सब बंद थी और चारों तरफ बंदी का माहौल था, उस समय तमाम पक्षी केवल अन्न और पानी के चक्कर में दिन भर भटकते रह रहे थे, और प्रकृति के करीब हम लोग आए हैं। बीच में 2-2.5 महीने जो लॉकडाउन की स्थिति रही है, उसमें काफ़ी चिड़िया भी आ गई हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए प्रयास किया गया है। इसमें सबकी सहभागिता, सबके सहयोग की आवश्यकता है, ताकि हम प्रकृति के अधिक से अधिक करीब जाएं, और हमारा जीवन प्रकृति के जितना करीब होगा, निश्चित रूप से उतना ही बेहतर होगा। इन बीसी न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।